अरे ये क्या, एक झूला तो टूटा हुआ है, अब एक ही झूला बचा है हम सबके झूलने के लिए। टिंकू तुम बड़े स्मार्ट हो, तुम तो फटाफट से झूले पर जाकर बैठ गए। हाँ टिंकू है स्मार्ट। हाँ अब जल्दी से झूला झूल के उतरो, हम सबको भी झूला झूलना है। तुम्हारे बाद मैं झूलूंगा। ठीक है, गप्पी के बाद मैं झूलूंगी और मेरे बाद गैफी। अब उतर भी जाओ टिंकू, और कितना झूला झूलोगे? ऐसे तो हमारी बारी कभी आएगी ही नहीं झूला झूलने की, और लंच ब्रेक भी खत्म हो जाएगा। अभी टिंकू कैसे उतरे, अभी तो बैठा है टिंकू। क्या हुआ बच्चों, क्यों झगड़ रहे हो आपस में? देखिए ना मैडम, टिंकू झूले से उतर ही नहीं रहा है, हम सब कितनी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बच्चों चलो मिलकर कुछ ऐसा सोचते हैं जिससे हर बच्चे को झूले पर बराबर समय मिले। आइडिया, क्यों ना हम सब पार्क का एक चक्कर काट कर आते हैं, तब तक टिंकू झूला झूलेगा। जब हमारा चक्कर पूरा हो जाएगा तो अगले बच्चे की झूलने की बारी आएगी, फिर बाकी के बच्चे चक्कर लगाने जाएंगे। बहुत खूब गप्पी, ये आइडिया सही रहेगा। तो चलो चलिए। लो हो गया एक चक्कर पूरा, अब मेरी बारी। ये चलो फिर से एक चक्कर लगा के आए, गप्पी के बाद मेरी बारी है झूला झूलने की। कितना बढ़िया आइडिया है अपनी बारी का इंतजार करने का, टिंकू को तो बहुत मजेदार लगा। बच्चों आप सबकी छुट्टियां कैसी रही? बहुत मजेदार। हाँ मेरी भी। अच्छा चलो सब एक एक करके बताएंगे कि उन्होंने छुट्टियों में क्या क्या किया। चुटकी तुमसे शुरू करते हैं, तुम बताओ तुमने क्या किया गर्मियों की छुट्टियों में? मैडम मैं पापा के साथ रोज सुबह जल्दी उठ के पार्क जाती थी। मैडम टिंकू भी पार्क जाता था खेलने, बहुत मजा आता था पार्क में खेलने में। और दिन में मैं वो करती थी जो करना मुझे बेहद पसंद है, पेंटिंग करना। एक पेंटिंग मैंने भी बनाया है मैडम, मैं अपनी पेंटिंग लेकर भी आया हूँ, दिखाऊं आपको? अच्छा तुमने क्या किया? क्या क्या, मैंने सुना नहीं, तुमने भी पेंटिंग बनाई है, दिखाओ दिखाओ। मैडम ये मेरी बारी है बताने की, और ये सब है कि अपने बारे में बताए जा रहे हैं, ऐसे तो मेरी बात कभी पूरी नहीं होगी। बच्चों मैं जानती हूँ तुम सब लोग अपनी बात कहने के लिए उत्सुक हो, लेकिन हमें अपनी बात कहने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। चलो सब आंखें बंद करके एक गहरी सी सांस लो। शाबाश, अब आप सबको पता है ना जब एक बात कर रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ मैडम उसकी बात सुननी है। इंतजार इंतजार, कैसे कर रही अपनी बारी का इंतजार? हाँ ये इंतजार करना हो गया है बड़ा ही मुश्किल। अपनी बारी का इंतजार करना, चलो बनाए मिलकर मजेदार। वो कैसे मैडम? मेरे पास ये एक बॉल है, मैं ये बॉल उस बच्चे को दूंगी जिसे अपनी बात कहनी होगी, बाकी सब गेंद को देखकर समझ जाएंगे कि अब उनके बोलने की नहीं बल्कि सुनने की बारी है। बॉल मेरे पास है, इसका मतलब अब बोलने की बारी मेरी है। हाँ और हम सबकी सुनने की। बिल्कुल सही, और जब गप्पी की बात पूरी हो जाएगी तब वो बॉल को किसी और बच्चे को देगा, फिर जिसके पास वो बॉल होगी उसकी बारी होगी बोलने की, और बाकी के बच्चे करेंगे इंतजार। टिंकू भी कर सकता है इंतजार। बहुत खूब बच्चों, आज तुम सब ने खूब अच्छे से अपनी बात को कहा और दूसरों की बात को सुना भी। बच्चों आप सभी ने जो कुछ भी मुझे अपनी छुट्टियों के बारे में बताया है, अब बारी है उस पर कुछ लिखने या पेंटिंग बनाने की, लेकिन हमारे पास रंग का एक ही डब्बा है, तो बताओ आप सब ये काम मिलकर कैसे करेंगे? कुछ बनाए पेंटिंग और भरे उसमें रंग, कुछ लिखे किताब में पेंसिल के संग, एक एक करके आए ऐसी बारी सबकी, मिलकर करें हम ये काम पूरा और फिर अगले खेल की तैयारी। बहुत खूब टिंकू। दोस्तों आज टिंकू ने बारी बारी खेलने का तरीका ढूंढा, क्या आप भी ऐसे ही कोई और तरीका ढूंढ सकते हैं? नया तरीका ढूंढें और अपने दोस्तों को बताएं। बाय बाय दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे।